कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए उतरे हैं कि वो कह रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, मुश्किल दौर चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी और कई राज्यों में बाढ़ की वजह से बहुत से बच्चे एग्जाम के लिए ना पूरी तरह तैयार हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें पहुंचने की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बिल्कुल, इधर दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात की है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल, उनसे। हम इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, नीट और जेईई परीक्षाओं के डेट्स को आगे बढ़ाने की मांग है। इनके हमारे साथ अनिल चौधरी हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनिल जी, सरकार का कहना है कि छात्र परीक्षाएं देना चाहते हैं और मंत्री जी ने कल कहा कि इस पर राजनीति ना हो। देखिए, ये कहना सरासर गलत है। जिन आंकड़ों का आधार बनाकर के कहा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, वो है कि डाउनलोड। सवाल ये उठता है, जो बच्चा सालों मेहनत करता है वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक डर है, भय है। यदि मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो आने वाले दिनों में शायद उसको और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आज उसके सामने एग्जाम की भी परेशानी है, एग्जाम में बैठने की परेशानी और उसकी जान की भी परेशानी है। तो दोनों दुविधाओं में तो स्वाभाविक तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जबरदस्ती बच्चों को मजबूरन ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस समय जब संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस समय ये परीक्षाएं कराना कहां तक उचित है? कि सरकार कह रही है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसमें राजनीति है ही नहीं ना, वो तो मजबूरी में छात्र डाउनलोड कर रहे हैं। चूंकि आप गन पॉइंट पे बच्चों को कहेंगे कि आपको एग्जाम देना है तो उनका करियर है, वो तो सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दो। कोई बहुत बड़ी मांग तो कर नहीं रहे, वो उनका साल तो खराब नहीं होने जा रहा। लेकिन सिर्फ संक्रमण के कारण वो कह रहे हैं कि आप 2 महीना 3 महीना आगे बढ़ा दो, बस इतनी सी मांग है, इतनी सी मांग। ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है छात्रों को लेकर कि ये राष्ट्र का भविष्य है। जब भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे